और इस समय पर्चा दाखिला का क्रम जारी है, तो ऐसे में हाटा विधानसभा क्षेत्र से आज मोहन वर्मा जो कि वहां पर अध्यक्ष रहे हुए हैं और उनको सीट भाजपा ने दिया है, तो आज पर्चा दाखिला का क्रम जारी है, तो उनके समर्थक यहां पर मौजूद हैं। और इसके अलावा फाजिल नगर से अगर बात कही जाए तो सुरेंद्र कुशवाहा को जगह दी गई है, तो सुरेंद्र कुशवाहा के भी समर्थक यहां पर आए हुए हैं। तो एक तरफ आप देखें कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जब पर्चा दाखिला हो रहा था तो लगभग 200-300 गाड़ियों का काफिला रहा, कितनी जनसंख्या रही थी, और पीछे आप देख पाएंगे, आसपास आप देखेंगे तो यहाँ पर भाजपा के दो विधानसभा के दो प्रत्याशियों के लोग समर्थक यहाँ पर आए हैं, तो कुल संख्या इनकी कितनी है। यहाँ पर इस समय हाटा में हमारे साथ एक बीजेपी के नेता हैं, इनसे थोड़ा सा हम जानते हैं बीजेपी में पवन केडिया के कार्यों से कितना संतुष्ट है। बहुत संतुष्ट है पवन केडिया, सुनिए सुनिए, संतुष्ट जनता भी संतुष्ट है, हमारे लोग भी संतुष्ट है, बशर्ते अगर पार्टी ने देखा कि हमारे जमीनी असर को, हमें एक आदमी को बार बार नहीं जगह देंगे। आपको क्या लग रहा है कि बार बार किसी के बाप की जब आप नहीं, हाँ तो आप बताइए कि आपकी पार्टी दो दिन पहले कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है उसको जगह दे देती है, तो यहाँ पर आपको दोबारा क्यों नहीं मौका दिया? नहीं, क्यों नहीं मौका दिया गया था? ये भी हमारे पार्टी में ज्वाइन हुए तभी तो दिया गया ना, वो भी कार्य करते थे, अच्छे थे, और हमारे इतना अच्छा कार्य किए थे तो उनको दोबारा जगह देना चाहिए ना मौका। किनको? स्वामी प्रसाद मौर्य जी को। क्यों? स्वामी प्रसाद मौर्य को? स्वामी प्रसाद मौर्य को क्यों आप देंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य को आप देंगे? समाजवादी पार्टी दोबारा, समाजवादी पार्टी, समाजवादी, समाजवाद, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, हम आपकी बातें सुन रहे हैं, आप हमारी बातें सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी वो ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप कौन होते हैं मौका देने वाले? आप ही तो कह रहे थे ना उनको फिर दोबारा देना चाहिए था। हम यहाँ पे हाटा की बात कर रहे हैं, आपके हाटा में स्वामी प्रसाद की बात क्या? आपके हाटा में स्वामी प्रसाद, यहाँ पे आपके हाटा में जो नए प्रत्याशी, नहीं आपने कहा नया प्रत्याशी को दिया गया जो अभी दो दिन ज्वाइन किए हैं, आपने उसकी बात की है ना, मैं इसके लिए बोला हूँ कि नया प्रत्याशी। मैं मनीष जायसवाल पडरौना की बात कर रहा हूँ जी, वो कांग्रेस है, यहाँ पर प्रत्याशी थे, उनको दोबारा आपकी पार्टी मौका दे दी है, तो यहाँ पर क्यों नहीं पवन केडिया को दिया गया जब इतना अच्छा कार्य किया? नहीं, अच्छा कार्य किया तो कोई जरूरी नहीं पवन केडिया को बार बार दें, हमारे पास कार्यकर्ताओं की बहुत लंबी कतार है। सकरौली पुल पर क्या कहेंगे पूरे भारत? सकरौली पुल, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को जगह मिलता है, ये जान लेना चाहिए आपको। सकरौली पुल पवन केडिया के, पवन केडिया के सकरौली पुल पर क्या कहेंगे जो दो दिन बनेगा पुल? अभी तो उसकी नींव रखी गई थी ना, जब तक आचार संहिता, तब तक बनेगा, 2019 का जा रहा है, एकदम बनने जा रहा है, नहीं अब तक बना, आप अपने सामने देखिएगा, बहुत जल्दी बनने जा रहा है। क्यों नहीं बना? क्यों नहीं बना? ये नहीं जो विकास कार्य की है सकरौली काम के धन अवगत होने से, होते ही तुरंत सकरौली पुल का, सकरौली पुल का 20% धन आवंटित हो चुका, 20% नहीं काम, नहीं 5% धन आवंटित हुआ है, उससे कुछ पीडब्ल्यूडी ने, पीडब्ल्यूडी ने अखबार में, ये भारतीय पीडब्ल्यूडी ने, सरकार है पीडब्ल्यूडी में, कोई सरकार नहीं है जो बात तो कर रहे हैं, ये भारतीय मानते हैं? नहीं, आप मानता हूँ, मैं मानता हूँ, मानते हैं कि वहाँ पे गड़बड़ी हुई है? नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, एकदम नहीं हुई है। हम उनके कार्यों, हम उनके कार्यों को भी दिखाते हैं, अगर आप मानते हैं, आप ही दिखाएंगे कि वह पुल बन रहा है, मुझे पूरा विश्वास आप जरूर दिखाएंगे, हम हमेशा 10 मार्च के बाद आप खुद जाएंगे और वहाँ फीता कटेगा, आप देखेंगे और आप उसको दिखाएंगे भी, ये भी मुझे विश्वास है। हमको टेंशन है, हमको इस बात का टेंशन है कि वहाँ पे कोई लापरवाही ना हो जाए, वहाँ पे कोई दुर्घटना ना हो जाए, ये टेंशन नहीं है कि सपा और कांग्रेस सरकार में लूट खत्म। हम तो 2 साल से इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे ना, अब इंतजार खत्म हो जाएगा आपका। देखिए भैया, कुशीनगर संवाददाता के जितने भी दर्शक हैं, जितने भी इस न्यूज को देख रहे हैं लोग, मैं उन सबसे बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को मौका देती है, बाकी तो धन उगाही कराते हैं ना। अब आपने कहा ना 200 गाड़ियां लेके आए थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी लग्जरी गाड़ी से, आप देखिए हमारे साथ कार्यकर्ता अपनी अपनी गाड़ियां लेके आए, कोई वीआईपी नहीं आया है, स्पेशल कोई नहीं है, इसका इसमें जितने भी आए हैं 400-300 करीब 1000 गाड़ियां हैं, आप लाइन देख लीजिए, नंबर गिन लीजिए, 1000 से ज्यादा गाड़ी है, वो भी किसकी गाड़ी है? सब कार्यकर्ताओं की गाड़ी है, कार्यकर्ता अपने घर से अपने पैसे से अपने कार्यकर्ता को लेकर चल रहे हैं। हम लोग कहीं भी किसी भी क्षेत्र में गुंडा माफियाओं को जगह नहीं देते हैं, पार्टी हमारी जगह देती है। मौर्य जी को आपने जगह दिया था? जगह दिया था,
उस समय लगा था कि आप आए। आज वो गुंडा हो गए? नहीं, उनको कहाँ गुंडा, हम बदलते, हम उनके लोगों की बात कर रहे हैं, जो लोग आप कह रहे थे लग्जरी गाड़ी। एक मिनट सर, आप बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को उन्होंने दिया, ये राम की पार्टी है, राम राज लाने वाली पार्टी है, और आज से 9,00,000 वर्ष पहले जब भगवान राघवेंद्र सरकार लंका पर चढ़ाई कर रहे थे तो उनका दुश्मन रावण का भाई विभीषण आया तो हमारे राम ने उनको लंकाधीश बना दिया था, वो ये पार्टी है, हम क्या जानते हैं कि ये दिन में क्या हुआ है। तो राम राज्य आप लगता है कि आ गया? मैं इंद्रजीत भाटिया राम जन्मभूमि का रास्वा बंदी रहा हूँ। सकरौली की चर्चा किए हैं, सकरौली का मैं 17 साल प्रधान रहा हूँ जी, समझ रहे हैं? तब तो वहाँ की जनता का दर्द आप समझते होंगे। एकदम एकदम, वहीं के जनता का दर्द नहीं है श्रीमान संवाददाता महोदय, आपका भी दर्द है, हमारा भी दर्द है, लेकिन कोई काम एक बाय एक हथेली पर नहीं उग जाता है। वो पास था, आप कह रहे हैं ना पास था, हमारा विधायक ने उसमें कोई पैसा नहीं खाया, हमारी पार्टी ने कोई पैसा जाया नहीं किया, ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी के में बीच में अटका हुआ था, वो अब बनने जा रहा है। मैं बार बार कहता था, आप हमको क्या जान रहे हैं, मरण छोड़ूं, मैं वहीं अनशन पर बैठ जाऊंगा, अनशन पर, लेकिन यार नौबता नहीं आएगी। लेकिन 2019 से पास था और आज 2022 ये हुआ कि अब अभी तक आप अनशन पर, कोरोना काल चल रहा था, फिर कोई ना कोई बहाना मिल जाएगा अनशन पर नहीं 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 अब तो आपकी पार्टी नहीं, अब तो मोहन वर्मा है, एक युद्ध लड़ा गया था अर्जुन और मोहन के साथ, वही अब ये कलयुग में मोहन जो है खुद रथ हाँक करके लड़ रहे हैं, ये मोहन वर्मा माने श्री कृष्ण मोहन है, इनको कोई हरा नहीं सकता। कह रहा हूँ ये पार्टी ऐसी है कि इसमें किसी को ऐसा नहीं लग रहा है कि आप जैसे जिस तरह बतिया रहे हैं, बात कर रहे हैं कि एक ही पुलिया को लेकर के आप विकास दिखाइए ना, कितना विकास हुआ पूरा उत्तर प्रदेश का कोना कोना, गली गली, गोरखपुर देखिए, ये समाजवादी पार्टी के लोग नहीं ना, इसमें समाजवादी की सरकार थोड़ा है कि केवल दिखाएंगे, कहेंगे और करेंगे कुछ और। तो जनता बखूबी जानती है वो किया जाता है। आपने कितना सड़क का निर्माण हुआ आज तक, यही मीडिया के बंधु आप ही जैसे लोग राम मंदिर का मुद्दा लेके चलते थे, कहते थे कि राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, बहुत भाषाएं चलती थी, भाजपा की सरकार आई, मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अब क्या लेंगे प्रमाण 370 के लिए, इससे बड़ा प्रमाण क्या लेंगे, 370 देख लीजिए, 35 देख लीजिए, क्या सरकार में क्या लेंगे, समाजवादी पार्टी, यही तो समाजवादी थे ना, ये तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन रहा ना, मैं देखिए मैं बता रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन रहा ना, नहीं सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पहले क्यों नहीं आ गया, आप पहले क्यों नहीं आया, आपका सरकार, आपकी सरकार न्यायालय व्यवस्था से ज्यादा बड़ी है, नहीं नहीं न्यायालय से कोई बड़ा नहीं है, नहीं 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 सम्मान करते हुए काम हो रहा है, लेकिन एक चीज आप सुने, तो सरकार जो है वह व्यवस्था देने वाली होती है, और न्यायपालिका जब व्यवस्था देती है, निर्णय को करती है, और निर्णय करने के बाद व्यवस्था व्यवस्थापक के हाथ में सौंपी जाती है, और व्यवस्थापक अगर बढ़िया नहीं है, अच्छा नहीं है व्यवस्थापक, तो आप निश्चित मान के चले कि न्यायालय का आदेश भी धरा का धरा रह जाता है और व्यवस्था बदल जाती है। आप माइक लेकर के मेरे मुंह के सामने खड़े हैं, जरा याद करिए उस सरकार को जिस सरकार में ये माइक और वो न्यायालय की टीवियां तोड़ी गई थी, वही सरकार है जिन्होंने देश की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए बाध्य किया, और कार्यकर्ता उत्साहित हुआ और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनना शुरू किया, और देश में नहीं विश्व में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी भारतीय जनता पार्टी, और नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में, इससे भी पहले मैं चलता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी के अगुवाई में वो सारी जमीनें अधिग्रहण की गई थी, अधिग्रहण करके न्यायालय से आदेश लेने के लिए मुकदमे दाखिल हुए, और न्यायालय ने आदेश दिया, अरे कितने दिन तक सरकार व्यवस्थापक थी तो सरकार व्यवस्था में नहीं आ रही थी, 10 वर्ष कांग्रेस की सरकार रही और वो प्रतिदिन सुनवाई के लिए अग्रसर नहीं हुई, प्रतिदिन सुनने के लिए अग्रसर नहीं करवा रही थी, हम व्यवस्था नहीं दे पाएंगे, प्रतिदिन सुनवाई होगी तो, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी की सरकार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो प्रतिदिन सुनवाई के लिए अग्रसर करती है, और प्रतिदिन सुनवाई न्यायालय में होती है, अरे कितना दिन न्यायालय सुनवाई करेगा, और सुनवाई के बाद न्यायालय में न्यायालय ने निर्णय दिया, और पूर्वोत्तर भारत के रहने वाले रंजन गोगोई जी जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने
अपने भावनाओं का आदर किया, अपने आंतरिक आत्माओं का आदर किया और निर्णय दिया, और सरकार ने उस निर्णय को मनवाने के लिए तैयार होकर के कदम रख लिया और व्यवस्था दिया, तब मंदिर बन रहा है। ऐसे नहीं बन रहा है, न्यायालय का आदेश सरकार दे को आता था और सरकार नहीं मानती थी, लेकिन यह सरकार जो है न्यायालय के आदेश को सर्वोपरि माना। पराली जलाने के लिए, सुनिए महोदय, पराली जलाने के लिए आदेश आता था, सरकार ने कड़ाई से पालन किया। आप जो बात पूछना चाहते हैं, लेकिन यही सरकार है कि पराली जलाने की व्यवस्था न्यायालय को सौंपी और न्यायालय ने मान लिया कि किसान का पराली जलाने से प्रदूषण बहुत नहीं है। प्रदूषण कैसे है उसकी व्यवस्था सरकार के कंधे पर आई है और सरकार उसका निर्वहन कर रही है। सरकार उसका निर्वहन कर रही है। कितना सरकार निर्वहन कर रही है? लगातार 2 सालों से 1.5 सालों से किसान आंदोलन करते रहे, एक ही बार सरकार ने कह दिया कि आंदोलन बेकार। एक मिनट हटा दीजिए, पूरा कानून हटा दीजिए। देखिए एक बड़ी मतलब एकदम वही आपको बताया, वही उग्रवादी थे। उग्रवादी हो चाहे किसान हो, है मेरे ही भाई, मेरे देश में रहने वाला, मेरे सरकार का भाई है, इस पार्टी का भाई है, और वह आंदोलन कर रहे थे। सरकार कुचल सकती थी, सरकार कुचल देती अगर चाहती, तो व्यवस्था है सरकार के पास कि सरकार कुचल देगी। नहीं, लोकतांत्रिक मूल्य भी नहीं, लोकतांत्रिक मूल्यों का मूल्यांकन किया था पार्टी ने कि मेरे देश में रहने वाला हर नागरिक की सुरक्षा, हर व्यक्ति की सुरक्षा, हर व्यक्ति के भावनाओं का आदर और सम्मान मुझे करना चाहिए, और जनमानस अगर मेरे खिलाफ खड़ा है, मोदी जी ने अपने भाषा में कहा, उन्होंने अपने व्यवस्था में बोला कि हम कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें समझा नहीं पाए, जिनके कान तक हमारी आवाज़ समझ के लिए नहीं पहुंच पाई, और जब नहीं पहुंच पाई तो हम अपना कानून जो पेश किए हैं, जब उनको समझा लेंगे तब लागू होगा, ये शब्द उन्होंने कहा। अच्छा, तो फिर लागू होगा? लागू हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। और सरकार ने अपनी व्यवस्था को सौंपा कि हम आपको नहीं समझा पाए, आपका आंदोलन बड़ा है। चलिए, राष्ट्रीय मुद्दे पर बहुत बात हो गई, राष्ट्रीय मुद्दों पर बात हो गई। आप भी हाटा विधानसभा से हैं, तो अभी तक क्या लगता है कि एक आप कार्यकर्ता हैं भाजपा के, ठीक है, तो क्या लगता है कि अभी तक हाटा का जो कार्य हुआ है, कौन से कार्य अभी बाकी रह गए हैं जिनको मोहन वर्मा प्राथमिकता से उनको करना चाहिए, जिस पर फोकस करना चाहिए? देखिए, हमारी सरकार की आई हुई योजनाएं जमीन पर लागू हुई हैं। कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो हमारी नई सरकार का गठन होगा, तो नई सरकार का जब गठन होगा, ये घुमा फिरा क्या? नहीं, घुमा फिरा के मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप बताइए। एक बात सुन लीजिए, सरकार की योजना थी नगर में आवास बनवाना, नगरीय आवास योजना, अब वह पूरा हो गया है। अब संजोग से जनता ने मन बनाया है मोहन वर्मा को विधायक बनाने के लिए। ये योगी और मोदी की सरकार और उनके नेतृत्व में जब ये हो जाएंगे तो ग्रामीण आवास योजना चलेगी, गांव गांव में घर घर जिनको मकान नहीं है सारे लोगों की मकान बनवाएंगे, इनकी यह योजना है। जहां तक आप सकरौली के पुल की बात कर रहे थे, सबको कसक है कि सकरौली का पुल बना क्यों नहीं, लेकिन जैसे हमारे भाई ने कहा है, हम लोग साथ रहते हैं, कहा है कि हम जहाँ जाते थे, अरे जय श्री राम, मंदिरवा नहीं बनी, काहे से बड़ी मार खेले रही पृथ्वी पर लोटा के, पूछ ले इंद्रजीत भाटिया हमार ना है, कितना मार खेले रही। अरे जय श्री राम, गांव गांव, नगर नगर, डगर डगर, गली गली, जहाँ जहाँ जय श्री राम, मंदिरवा नहीं बनी। हम कहते बनते थे, आज मंदिर बन रहा है। मैं दावा करता हूँ, आप कह रहे हैं मोहन वर्मा के लिए 50% से ऊपर, 50% तो औरतों का, मुसलमान के औरतों का वोट मिलेगा, और उसके बाद भी सारा जनमानस मन मना लिया है, कोई विरोधी नहीं है भारतीय जनता पार्टी को लाने के लिए। क्योंकि यदि जानते हैं लोग, यदि सपा का शासन हो गया तो वह गुंडा राज होगा, लाठी के बल पर चलेगा, और पत्रकार भाई और संवाददाता आप लोगों का भी ये माइक तोड़ेंगे सब और ढकेल देंगे। लेकिन यहाँ तो आपको माला पहनाया जाता है, हमारे तो सारी भूम गोपाल की है, ये राम राज लाने वाली पार्टी है। जो आप, आपको आश्वस्त करना चाहेंगे कि हमारे ऊपर जितना भी हमले हो, जितने भी चीजें हो, आप लोग महान हैं, हम लोग कलम के सिपाही हैं, और हम लोग शहीद भी होना
सच्चाई के राह में शहीद भी होना। बात तो सही है, लेकिन कलम का सिपाही कलम बेचता है। और हम कार्यकर्ताओं पर नहीं जाते हैं, हमारी जनता हमारे साथ खड़ी रहती है, तो हमको किसी चीज का भय नहीं। ठीक है सर, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, आप लोग निष्पक्ष पत्रकारिता करते रहिए, लेकिन एक हमारे हमारे साथ के रहने वाले हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक मित्र ने कहा है कि आप लोग विरोध में कुछ दिखलाए थे। ये हमारा काम है दिखाना, और जो जो सत्य होगा वो हमारे चैनल पर दिखेगा। चाहे ये कमिटमेंट हम करते हैं चैनल के तरफ से भी, चैनल का बड़ा नाम है, ये हम ही नहीं कह रहे हैं, आप सत्य कहते हैं। सकरौली पुल का खबर चलाते हैं तो लोग कहते हैं विरोध में चला रहे हैं, अगर भाटा में गंदगी का खबर दिखाते हैं तो कहते हैं विरोध में चला रहे हैं, तो हम चलाएंगे ही चलाएंगे। आप सकरौली पुल का अगर मुद्दा उठा रहे हैं तो मैं उसको विरोध नहीं कर रहा हूँ आपका, आप अच्छी बात कर रहे हैं, आपने अच्छा मुद्दा उठाया, हम लोग उससे जागरूक हो रहे हैं, हम देख रहे हैं, हमें अगर कहीं लग रहा है, मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ, रुके एक मिनट, आप स्वागत है, लेकिन उसके साथ साथ जो अच्छे कार्य उसको भी आपने मुक्ति धाम दिखाया क्या कभी? हमने बहुत सारे हाटा के कार्य दिखाए, आपने कभी दिखाया क्या? नहीं, बहुत सारे कार्य, रुको ना यार, बहुत सारे कार्य आपने दिखाया, हाटा मुक्ति धाम बनाया दिखाया क्या आपने? आपका चल नहीं, हमारा काम विरोध में है, हमारा काम विपक्ष में है, हम विरोध में ही काम करेंगे, हम विपक्ष हैं, हम कभी भी सत्ता, सर सर गणेश शंकर विद्यार्थी जिनको जो हमारे आदर्श हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी जो हमारे आदर्श हैं, उनका कहना है जिनको आज के पार्टी की, सुनिए सर, आपने कहा है कि मैं सच्चाई दिखाता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको सच्चाई में वो भी जोड़ना चाहिए जो अच्छे कार्य हैं। हम आपके सच्चाई में आपके 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 सरकार के योजनाओं को हम दिखाते हैं जब ग्राउंड पर उतरते हैं, जैसे आप बात करेंगे स्टार्टअप इंडिया योजना, बहुत बढ़िया योजना रहा, लेकिन स्टार्टअप इंडिया के बेनिफिशियरी का नाम आप बता सकते हैं? 10 काउंट करके आप बता सकते हैं? इतना कम संख्या है, कितना उतर पाया है? सुनिए वही तो अभी तो मैं वही बात कर रहा हूँ आपसे, आप वही सारे मुद्दे उठाएंगे, वही सारे मुद्दे उठाएंगे जो लग रहा है आपको, उसमें थोड़ी बहुत हम खाली पीछे रह गए। हम देखिए कोरोना काल का समय चल रहा है, आपने कोरोना काल में देखा क्या हाटा नगर पालिका में कितना कार्य हुआ? हाटा नगर उसका बखूबी दिखाया आपने, देखा क्या आपके विधायक पवन केडिया एक दिन जाके आग बुझाने का भी कार्य करते हैं, तो वो भी हम दिखाते हैं जी। वही बात मैं कह रहा हूँ आपसे, यही बात कह रहा हूँ, आपने जो कहा कि सच्चाई दिखा, पार्टी वर्सेस पार्टी करिए, पर्सनल ले चुके हैं, व्यक्तिगत ले चुके हैं, आलोचनात्मक व्यक्ति आलोचना करे, लेकिन हमारा बात आप सीनियर हैं, आप इनको समझाइए कि एक लोकतांत्रिक क्षेत्र के लिए विरोध में होना उसके इम्प्रूवमेंट को बढ़ाता है, उसके एक्यूरेसी को बढ़ाता है। पार्टी वर्सेस पार्टी जब आप करेंगे तो आप किसी भी जैसे मान लीजिए कि आलोचना हमारी होनी चाहिए, मैं नहीं कहता कि हमारे सारे काम अच्छे ही होंगे, कुछ काम मेरे अच्छे भी होते हुए भी आपके निगाह में हमारा काम वो खराब होगा तो आप उस काम को दिखाएंगे, और आलोचनात्मक अगर सही दिशा में कार्य करता है अच्छी बात आप तो वह अच्छी बात है, हम उससे सतर्क होंगे और सतर्क होकर अच्छी काम करेंगे। और यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इसी आलोचनात्मक व्यवस्थाओं को देख करके जो टिकट मिला है यह प्रत्याशी जीतेगा, और इन सारे आलोचनात्मक व्यवस्थाओं को दूर करेंगे, और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि यह जीतने के बाद आपको आलोचना करने का अवसर नहीं मिलेगा। चलिए तो तमाम बातें हैं, और यहां पर हाटा से और फाजिल नगर से यहां पर जो प्रत्याशी आए हुए हैं उनके समर्थकों से बात हुई है, भाजपा के लोग से बातें हुई हैं, बहुत सारे उनके मन में डाउट था उस पर भी क्लियरेंस हो गया है। कुशीनगर समाचार और संवाददाता लाइव, ये हमेशा कोशिश रहता है कि हमेशा उन तबके पे जब किसी की निगाह नहीं गई थी, जहां पर कोई मीडिया नहीं गया, उनके सवालों को नहीं लेकर गया, उसको मुखर रूप से सामने लेकर आया जाए। यहां पर इन्हीं लोग के सामने कोई और चैनल नहीं आया, कुशीनगर समाचार इनकी बात को सामने लेकर आया है, लेकिन फिर भी एक बार खबर दो बार खबर अगर विपरीत चलती है तभी भी आइडियोलॉजी इनकी गड़बड़ हो जाती है, हमारे खिलाफ मानसिकता बदल जाती है, तो उसका परवाह नहीं है। जो सच्चाई होगा उसको दिखाते रहेंगे हम, चाहे सकारात्मक कार्य होगा उसको भी दिखाएंगे, नकारात्मक होगा उसको भी दिखाने की हिम्मत रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद।